हेलो मुख्यमंत्री जी का स्वागत धरारा ग्राम में आप सब लोगों ने जोरदार तरीके से किया है। सबसे पहले तालियां बजाकर स्वागत करिए शिवराज सिंह चौहान। हेलो तो हेलो 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 माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको संबोधित कर रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए। अब ये नीचे कर लें, ये नहीं मैंने देख ली और आवेदन भी ले लिया, मैं जांच पूरी करवाऊंगा, इसकी चिंता मत करो, है ना। ठीक है अब ये हटा लो, अब दो मिनट बाकी बात कर लेने दो, एक मिनट रुक जाओ। अब शांत हो जाओ। बोले भारत माता की। मेरे साथ इस यात्रा में चल रहे हमारे मंत्री प्रभारी विजय साय जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय हमारे मंत्री राम खिलावन पटेल जी और धौरहरा में यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भाई कृष्णचंद जी, सत्येंद्र बागरी जी, आज आप सबसे मिलने आपके गांव धौरहरा आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ तो विकास के काम करती है और दूसरी तरफ किसान हो चाहे गरीब बहन भाई हो उनके कल्याण के काम में लगे रहती है। आज ही हमने एक बड़ा फैसला किया है कि मेरे वो गरीब भाई और बहन किसी जाति के हों जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है या एक घर में इतने लोग रह रहे हैं क्योंकि बाकी जमीन ही नहीं है कि रहते ही नहीं बन रहा, पता चला बाप के चार बेटा हो गए, बहुएं आ गई, बेटा बेटी हो गए तो रहने की जगह ही नहीं है, ऐसे है कि नहीं गांव में। हमने फैसला किया है कि ऐसे सभी भाई बहनों को अभी मैं सर्वे करवाना शुरू करूंगा, उनको जमीन का टुकड़ा और पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। ईमानदारी से मुझे बताना यह जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि जरा जरा सा घर, छोटी सी जगह, कितने लोग रहेंगे आखिर वहां, और इसलिए सरकारी मिलेगी तो सरकारी जमीन पे हम देंगे प्लाट और कहीं सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी उनको गरीब को प्लाट के रूप में दिया जाए। देखो बहनों और भाइयों, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम, ये जरूरी है कि नहीं। और इसलिए देखो राशन के लिए एक रुपया किलो गेहूं चावल और नमक हम दे रहे हैं, यहां राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ईमान देखो एक मिनट, उनको मिलेगा जिनके पास कार्ड है और जिनके पास पर्ची है,
तो ईमानदारी से जरा मुझे बताना किन किन को मिल रहा है, वो हाथ उठाओ जिनको मिल रहा है। अच्छा अब नीचे कर लें, एक मिनट, कलेक्टर भी यहां पे है, सब अफसर यहां रहे, यहां पे एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, एक मिनट मैं पूछ रहा हूं। 886 2011 परिवार के 886 लोगों को मिल रहा है। अभी यहां सर्वे करवाया, कितने लोग रह गए पर्ची से, कितने, देखो कुछ लोगों की पर्चियां नहीं है अभी, कितने लोग, अब मैं आया हूं, काहे को चिंता कर, इसीलिए तो आ गया मैं गांव में, उड़ गया। ये कलेक्टर है, अभी कितनी पर्चियां बनवाई हैं, एक मिनट, 46 पर्ची अभी बनी है। सांसद जी यहां पे हैं, मैं फिर निर्देश दे रहा हूं, ईमानदारी से गरीब, बिल्डिंग वाले नहीं, ईमानदारी से जो गरीब रह गया हो राशन की पर्ची के लिए फिर दिखवाओ, और ऐसा कोई छूट गया हो तो मैं पर्ची बनवा के दूंगा, आप चिंता मत करो। अब बीच में मत बोलो बेटा, नहीं तो मैं बोल कैसे पाऊंगा, दुकान खुलती है राशन की, अरे देखो झूठ मत बोला, अपन जो सही है वो बता, नहीं तो उसे हत्या करवा दो कोई की। खुलती है, एक बार जरा चेक कर ले। देखो अब हमने ये तय कर लिया कि हर महीने की 7 तारीख दीनदयाल अंत्योदय समिति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने अनाज बंटवाया जाएगा, ताकि कोई गरीब वंचित ना रहे। और एक बात सुन ले कलेक्टर, एक बार जांच करवा लो, पूरा रिकॉर्ड देखो, और अगर ये सिद्ध हो गया कि राशन में गड़बड़ की है तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर, ना अधिकारी छोड़ूंगा ना करने वाले को छोड़ूंगा, करवा लो। दूसरी बात, यहां लगभग गांव में 16 विधवा पेंशन है, 65 वृद्धा पेंशन है, 6 दिव्यांग पेंशन है, 144, ये पेंशन में कोई छूटा तो नहीं है, एक बार वो भी दिखवा लेना। देखो सबको सहायता करना मेरा काम है, भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं चौथी बार, वो सारी चीजें। और एक बात और, एक तो मैंने प्लाट की बात कही, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के 159 आवास स्वीकृत है, अभी कितने बच गए जिनको, जो 4 बच्चे जो पात्रता में है और छूट गए, तो उन चारों को भी इस साल स्वीकृत कर देंगे। आवास प्लस में तो कुछ नहीं रह गए, पोर्टल खुलवा के अगर कोई गरीब रह गया हो तो हम ये पट्टे देने की व्यवस्था भी करेंगे, उस पर मकान बनाने की व्यवस्था भी करेंगे, वो आवास प्लस का एक सर्वे हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, कई गांव जाना है, मुझे यहां बताया धोरहरा से खमरिया पहुंच मार्ग चाहिए क्या, तो उसको बनवाया जाएगा। अच्छा अच्छा पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, पीएचई वाले कहां है भाई, पीएचई वाले को बुला लो जल्दी। यहां की योजना के बारे में बताओ मुझे, पानी कहां से लाएंगे हैं? देखो भैया सब गांव वाले सुन लो जरा, अपन काम के लिए आए हैं, सिखाए के लिए, ऐसा है कि हम, मेरी बहनें खड़ी है, सबको घर में पानी चाहिए नल लगवा के, तो हम यहां 95 लाख रुपए की नल जल की योजना हमने यहां स्वीकृत की है, यहां जमीन में पानी निकल आएगा, तो गांव वालों के साथ ये पानी के पीएचई के अधिकारी कलेक्टर निश्चित कर ले भाई, जहां गांव वाले कहो वहां बोर करवाएंगे, टंकी बनवाएंगे, और बोर से पानी में टंकी में भरवाएंगे, और टंकी से पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगाएंगे, ताकि अगर टोटी खोले तो पानी आ जाए, हैंडपंप पे ना जाना पड़े, इसको भी करेंगे।
सामुदायिक शौचालय श्रीनगर यहाँ अगल बगल में ही है क्या? बगल में श्रीनगर वाले हैं क्या यहाँ? तो श्रीनगर में एक संत रविदास मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा महर्षि संत रविदास भगवान का। और श्रीनगर में आपने जो मुझे और आवेदन दिए हैं, मैं इस जो आपने अभी दिया आवेदन उसकी भी मैं जांच करवाऊंगा। आप श्रीनगर के ही हो सब दरारा के, वो भी हम करेंगे। पीसी सीमेंट सड़क और नाली के निर्माण के लिए भी चार सड़कें यहां बनाई जाएगी और सामुदायिक शौचालय श्रीनगर में 3,44,000 का बनाया जाएगा। सड़कें 13 लाख रुपए की बनाएंगे और जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया है उन सबको चालू करेंगे। आपकी आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बिजली एक बोलो नहीं समझ में नहीं आएगा। तालाब की पूरी जांच करवाऊंगा, मेरी जानकारी में नहीं है, जांच करवा के जनता का है तो जनता को दिया जाएगा। उसके खिलाफ भी मैं एसपी का है भाई, देखो अगर गड़बड़ और अवैध शराब मिले तो पकड़ के बंद करो, छोड़ना नहीं है उनको बिल्कुल किसी भी कीमत पे। ये गांव के लोग कर, अब एक बोलो देखो ये मैं करवा दूंगा, ठीक है एसपी निर्देश दे, धन्यवाद। अब जाए आप सबने जो कुछ कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब रह गांव में कॉलेज भी खुल गया है बेटियों, रह गांव में कॉलेज खुल गया, तालियां बजाओ स्वागत करो। शमशान घाट नहीं है यहाँ कलेक्टर आराम से आ रहा है यहाँ सब बेटा, एक मिनट रुको, यहाँ शमशान घाट नहीं है, कोई उपयुक्त जगह देख के मैं शमशान घाट के लिए भी, अब भाई बात हो गई, अब ऐसे मत करो, पहले तुम चुप रहो, पहले मुझे बात करने दो पूरी, ऐसा मत करो। पहली चीज शमशान घाट उसकी जगह देख के, जगह देख लें जितने पैसे में बनेगा मैं स्वीकृत करूंगा। 1 लाख नौकरी बच्चों के लिए सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी जितना रोजगार होगा वो देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक बहुत जल्दी धरारा के लोगों ने मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला सतना बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धरारा से खमरिया सड़क मिल गई, पेयजल योजना मिल गई, यहाँ पर जो अवैध शराब बिक्री हो रही वो बंद हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर श्रीनगर में संत रविदास जी का एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाओ भाई।